नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज एक बहुत बड़ी समस्या सुनने में आती है, डिप्रेशन। ये वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कम बड़ी कॉमन सी बीमारी हो गई है। ये किसी भी आयु में हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। इसका कोई कारण भी नहीं है और कोई आयु निर्धारित नहीं है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को बेवजह गुस्सा आता है, किसी से बोलने का मन नहीं करता, व्यक्ति चिड़चिड़ा रहता है, किसी ने उससे बात की या उसने किसी से बात की तो बेवजह गुस्सा आ जाता है और व्यक्ति को बाद में फील होता है कि यार मुझे उससे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसको ऐसी गिल्टी फील होती है, नींद प्रॉपर नहीं आती। मान लीजिए व्यक्ति सो गया तो उसको नींद टूट टूट कर आएगी, गहरी नींद नहीं आएगी, नींद बीच बीच में टूट कर आएगी, जाग जाएगा, जिसके कारण से वो सारा दिन बड़ा उदास रहता है, बेवजह उदास रहता है, अकेले में रहने की इच्छा होती है। कई बार तो देखा जाता है व्यक्ति अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। ऐसे लोगों को भीड़ भाड़ से डर जैसा महसूस होता है। अगर ऐसा व्यक्ति कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर है, किसी फंक्शन में है, तो उसको वहां कोई इंटरेस्ट नहीं आता, वो वहां पे भी उदास रहता है, रोने का मन करता है। बहुत से लोग तो बेवजह रोना शुरू कर देते हैं और अगर ज्यादा बढ़ जाए किसी को तो सुसाइड, व्यक्ति कोशिश करता है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। तो इसलिए आपको अगर ये दिक्कत है या आपके किसी परिचित को है, आपके परिवार सदस्य को है, तो ऐसे व्यक्ति को एक दूसरे के संपर्क में रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए, कभी अकेले ना रहें, अपने आप को बिजी रखें, चाहे वो बुक्स पढ़ें, टीवी देखें, किसी भी रूप में अपने आप को बिजी रखें। अकेले रहने से डिप्रेशन बढ़ता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हेल्दी फूड्स खाएं, अपने ध्यान को डाइवर्ट करें, जो आपको पसंद है उस तरफ अपने ध्यान को आप लेकर जाएं। चाहे आपको पढ़ने में हो सकता है, चाहे आपको दोस्तों के साथ घूमने में हो सकता है, चाहे आपको टीवी देखने में हो सकता है, लेकिन अकेलेपन से बचें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है, जिसमें व्यक्ति सुसाइड करने की बार बार सोचता है और कई बार तो देखा जाता है प्रयास भी करता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई डिप्रेशन से प्रभावित है तो उसके लिए मैं कुछ ट्रीटमेंट बताता हूँ, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूँ, अगर वो ये करेंगे तो काफी हद तक वो इस समस्या से बच सकता है। आइए देखते हैं, ये देखेंगे, आप देखें एक कान के नीचे मरवाइए, किसी की तो बड़ी उभरी हुई नजर आएगी। यहाँ पर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगा जा सकते हैं, ये सवेरे पे यहाँ से कान के नीचे शुरू किया और यहाँ तक जाना है, अपने अंगूठे को इस प्रकार से, ये वाला जो हिस्सा इससे कर रहे हैं, देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 काउंट करना है, पहले लेफ्ट फिर राइट, ये वाला ही है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 बार करना है, ये एक राउंड हुआ, ऐसा आपको तीन बार करना है, 16 बार इधर, 16 बार इधर, लेफ्ट से शुरू करना है, पहले लेफ्ट किया फिर राइट, फिर एक मिनट का गैप, फिर लेफ्ट फिर राइट, फिर एक मिनट का गैप, फिर लेफ्ट फिर राइट, इस प्रकार से आपको तीन राउंड करने हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जिसको भी डिप्रेशन होता है, इसमें ब्रेन के कुछ केमिकल्स हैं जो डिस्टर्ब होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये ब्रेन से बनने वाले कुछ केमिकल्स हैं, जो भी इस परेशानी से गुजरता होता है तो उसको ब्रेन के ये केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें अपनी दिनचर्या ठीक करें जैसा मैंने बताया, और न्यूरोथेरेपी के ये ट्रीटमेंट जो मैंने बताया छोटे सा, ये आप खुद करें तो आप डिप्रेशन जैसी समस्या से बच सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जो भी व्यक्ति ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, निराश हो चुके हैं अपने जीवन से, तो
उनको आपके इस वीडियो को शेयर करने से काफ़ी मदद मिल सकती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।